सभी से अनुरोध है, ये रहा चार धाम, ये माता रानी और यम बढ़िया बनाया, लेकिन मतलब कि बहुत भीड़ है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम विवेक शाह है और आप देख रहे हैं ब्लॉग्स का चैनल। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ रायपुर का चार धाम का पंडाल। गणेश जी का पंडाल बेहतरीन है और आपको चारों धाम एक जगह मिल जाएगा और एक जगह दर्शन कर सकोगे और बहुत इंजॉय हो पाएगा आप लोग का। बहुत बढ़िया और यूनिक बनाया है रायपुर में और बहुत सुंदर बनाया है। भीड़ की तो लाइन ही अलग, भाई पता नहीं था मेरे को कि अलग से टिकट लेके भी जा सकते हैं। मैं तो फ्री के लाइन में खड़े होने की कोशिश किया था, लेकिन इतना भीड़ था कि चम चार घंटा खड़े रहेगा आदमी तब जाके लाइन मिलेगा। बहुत बढ़िया था, चलिए मेरे साथ चलेंगे। और जो भाई नया है हमारे चैनल में, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ कमेंट करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग यही करते हैं, और कमेंट करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग का। चलिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। ये रहा चार धाम का फ्रंट पे, जो आपको निर्देश दे रहे हैं उसका पालन करें। अंदर ये है मेन, पीछे से बैक साइड से आने के रास्ता है, टिकट लगता है ऐसे, ऐसा देख आया गया है। जय महाकाल। ये हमारे शिव जी और ये रायपुर के है, देखिए फ्रंट से दिख रहा है, भीड़ अच्छा खासा है यार, बढ़िया है भीड़। यहाँ पे है हमारे माता रानी यमुनोत्री धाम, सभी धामों का आप लोगों को रास्ता मिल जा रहा है। यहाँ शिव जी का बना दिए हैं, ये इधर कौन सा धाम है, गायत्री धाम, माता रानी का भी इधर है, बढ़िया है, बहुत अच्छा, मतलब भीड़ अच्छा खासा है। माता रानी का फोटो, ये माता रानी और यमुना, ये यमुना रास्ता, देखिए पानी बह रहा है ऊपर से, शायद गंगा नदी बना दिए हैं, बढ़िया है, लेकिन शायद भीड़ है, टूरिज्म का अच्छा भीड़ है, देखिए बहुत अच्छा खासा भीड़ है। ये रहा केदारनाथ धाम, बर्फ है, बढ़िया यार, एक बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया बनाया है। चलिए ये हमारे शिव जी यहाँ पे, बढ़िया यार, बहुत अच्छा बना। ये है बद्रीनाथ धाम, बताओ यार, ये हमारे श्री कृष्णा बद्री धाम, बद्रीनाथ धाम, देख रहे हैं, बढ़िया है यार, बहुत सुंदर बना है। बढ़िया है, अच्छा सा बना है, यहाँ भी शिव जी का बना है, माता रानी यहाँ भी बैठे हैं, देखते हैं। और ये कौन सा है पता नहीं, यहाँ भी कोई शायद बैठा है, थे आई थिंक निकल गया, हट गया यहाँ से, बहुत अच्छा यार, बढ़िया बनाया, लेकिन बहुत अच्छा बनाया, बढ़िया लगा, अच्छा खासा भीड़ लगा हुआ देख रहे हैं, बहुत अच्छे से भीड़ लगा हुआ है। आए रहे गणेश, ये है रामेश्वर धाम, बढ़िया यार, जय श्री राम, श्री राम जी, और ये है श्री राम जी का द्वार, रामेश्वर पूजा, बहुत अच्छा लगा, मतलब कि पूरे लाइन से कंटिन्यू देख रहे, पूरे लाइन से वहाँ तक पूरा एकदम बहुत सुंदर से बनाया है। बहुत अच्छा लगा और भीड़ भी अच्छा खासा है यार। ये बैठे हैं विष्णु जी, जटायु हमारे कृष्ण जी, बड़े भी आए लकड़ी लेके, गुस्से का तो पड़ेगा डंडा, बढ़िया बनाया, लेकिन मतलब कि भिलाई से देखा जाए तो कंपेयर करें तो ये भी बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा, बहुत भीड़ है, अच्छे खासे लोग आए हैं इधर, देख सकते हो। चलो बाहर चल के देखते हैं कि कैसा है अभी बाहर हालत।
बड़ा जबरदस्त भीड़ है यार, बहुत जबरदस्त भीड़ है। चलो इधर से आउट होता है यार, अच्छा खासा भीड़ लगा, देखो बाहर साइड बहुत भीड़ लगा है, लेकिन रायपुर में भिलाई से ज़्यादा भीड़ है, लोग भी यहाँ पॉपुलेशन भी ऐसे है, खिलौने की दुकान बहुत सारे डेज लगा है। भीड़ हो हो क्या कितने का है, टूट जाएगा यार, अच्छा खासा भीड़ है, 50 का 3 कोई सर नहीं, 20 रुपए का एक तो आता है, 50 का 3 तो देगा ही नॉर्मल सा यार, 8 रुपए खरीद लिया, 15 का 1 10 का 1 फैंसी माल देख रहे हो, क्या भीड़ है यार, चाहे लोग जमीन में लगा के बेच रहे हैं और क्या चाहिए। तो यहाँ पे चल रहा है ब्रेक डांस, 4 कार का डांस, जो भिलाई में है सेम वहीं पे है, कोई अलग नहीं है यार, अच्छा खासा है। पर प्राइस कितना होगा पता नहीं, देखते हैं पूछते हैं, कितने का यार एक टिकट, कितना, 50 रुपये भिलाई में भी उतना ही है, बढ़िया 50 भिलाई में और रायपुर में भी, क्या भीड़ है यार, बहुत ज़बरदस्त, यहाँ भी जहाँ देखो वहाँ भीड़ है, अच्छा खासा दुकान लगा हुआ है, छोटे छोटे दुकान बाहर साइड में, लेकिन पूरा अपना यहाँ पे रेस हो या डांसिंग कार हो सब बाहर में कर दिया है, कोई अंदर इंटरनल नहीं है, छोटे से प्लेस है, अच्छा खासा जमाया है माहौल, भाई पता नहीं सर, बढ़िया है यार, ऐसे ही दुकान लगेगा तो यहाँ पे जैसे भिलाई में लगता है वैसे यहाँ का भी हाल है, भिलाई में और रायपुर में क्या अंतर है, बस ये है कि सिटी चेंज हो जाता है लेकिन काम वही है, चाउमीन बिक रहा है यहाँ पे, चिल्ली बिक रहा है, चलो आगे चलते हैं। ये रहा हवा, हवाई चक्री, गिरेंगे तो गए सर, दे 50 रुपये टिकट है, बच्चों का भी कूदने वाला होगा शायद, ये वाला यही में क्या 30 रुपये होना चाहिए, टाइमिंग के हिसाब से रहता है इसका 10-15 मिनट का, बच्चे तक खेल रहे हैं, फुल एंजॉय चल रहा है, लेकिन छोटे से गेम में पूरा मतलब कि पूरा कवर कर लिया गया है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, लेकिन छोटे से गेम में सब कवर किए भाई। ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और कैसा लगा ब्लॉग ये ज़रूर बताइए कमेंट में, शेयर करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ये रायपुर का था गुड़वारी का गणेश जी का, चलिए आगे मिलते हैं आप लोग से।